तो आज ये हमारा मैथ्स का 12वां एपिसोड है। शुरू करते हैं एवरेज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर है तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है? तो फर्स्ट 7 मंथ्स का जो पेट्रोल कंजम्पशन है उसका एवरेज दिया हुआ है 110, और उसके बाद नेक्स्ट 5 मंथ्स का भी पेट्रोल का एवरेज कंजम्पशन दिया हुआ है और वो है 86 लीटर। तो बताना है कि टोटल 12 मंथ्स में एवरेज कंजम्पशन कितना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए 12 मंथ्स का कुल खपत हम लोग को चाहिए। तो कुल खपत निकलेगा 7 महीना का कुल खपत प्लस 5 महीना का कुल खपत। 7 महीना का कुल खपत हो जाएगा एवरेज 110 इंटू 7, और 5 महीना का कुल खपत हो जाएगा एवरेज 86 इंटू 5 मंथ्स। तो 86 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 770 प्लस 430 यानी कि 1200 लीटर। तो ये कुल खपत हो गया 12 माह का। अब एवरेज इसका निकल जाएगा तो 1200 को 12 मंथ से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 100 लीटर एवरेज। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है परसेंटेज का क्वेश्चन। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हो तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस वेन डायग्राम से समझते हैं। तो दिया हुआ है कि टोटल 600 लड़के हैं, इसमें कुछ लड़के केवल हॉकी खेलते हैं, कुछ लड़के केवल फुटबॉल खेलते हैं, और कुछ लड़के हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो दिया हुआ है कि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, यानी कि ये जो हॉकी का सर्कल है ये टोटल 75% लड़के हो गए। तो इसमें वो भी लड़के हैं जो कि केवल हॉकी खेलते हैं, और वो भी है जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। उसी तरह से फुटबॉल दिया हुआ है 45% लड़के खेलते हैं, तो ये टोटल सर्कल हो गया फुटबॉल का 45%। इसमें भी कुछ लड़के केवल फुटबॉल खेलते हैं ये वाला पार्ट, और ये जो बीच का रीजन है ये कॉमन रीजन है जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ए हॉकी के लिए है और बी फुटबॉल के लिए है, ये बस नोटेशन को आसानी से लिखने के लिए है। तो एन ए का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ प्लेयर्स जो कि ए यानी कि हॉकी खेल रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स हॉकी खेलने वाले कितने हैं? 600 का 75% यानी कि 600 इंटू 75 बाई 100 तो 450 हो गया। उसी तरह से एन बी यानी कि नंबर ऑफ प्लेयर्स जो कि बी यानी फुटबॉल खेल रहे हैं वो हो जाएगा 45% दिया हुआ है तो 600 इंटू 45 बाई 100 तो 270 हो गया। तो अब टोटल 600 लड़के हैं, ये 600 लड़कों में एन ए है यानी कि हॉकी का प्लेयर्स, एन बी यानी कि फुटबॉल का प्लेयर्स। अब ये दोनों सर्कल लेने पर ये बीच वाला रीजन दो बार हम लोग ले ले रहे हैं तो एक बार इसको माइनस कर देंगे। एन ए इंटरसेक्शन इस साइन को कहते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दो सर्कल का जो इंटरसेक्शन है। तो चूंकि दो बार सर्कल हम लोगों ने लिया तो बीच वाला रीजन हम लोगों ने दो बार काउंट कर लिया तो एक बार इसको माइनस कर देंगे। अब ये जो एन ए इंटरसेक्शन बी ये क्या है? ये रीजन है उनका जो विद्यार्थी हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, और यही हम लोग को रिक्वायर्ड है। तो एन ए बी इस इक्वेशन से आ जाएगा, एन ए हम लोगों ने निकाल लिया और एन बी निकाल लिया, तो एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 450 प्लस 270 माइनस 600 यानी कि 720 माइनस 600 तो 270। तो टोटल 120 विद्यार्थी है जो दोनों खेल खेल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। क्वेश्चन है 20% 25% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक मात्र बट्टा क्या है? तो पिछले बार भी हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन देखा था। तो 3 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स है, इससे इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट क्या होगा? तो सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा फाइनली डिस्काउंट के बाद? पहले 20% का डिस्काउंट है यानी कि 100 का 80% हो जाएगा रेट। फिर उसके बाद 25% का डिस्काउंट है यानी इसका जो रिजल्ट आएगा उसका 75% हो जाएगा रेट। और फिर 10% का डिस्काउंट है तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसका 90% हो जाएगा फाइनल सेलिंग प्राइस। तो इसको हम लोग परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई में। तो 100 इंटू 80 बाई 100 इंटू 75 बाई 100 इंटू 90 बाई 100 ये आ जाता है 252 बाई 2 या 54। तो अब समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य हम लोगों ने लिया था 100 तो परसेंटेज के हिसाब से ही आएगा आंसर। तो 100 में से फाइनल जो सेलिंग प्राइस है वो 54 आ रहा है तो डिस्काउंट कितना हो रहा है? 100 माइनस सेलिंग प्राइस जो है वो डिस्काउंट हो रहा है तो 100 माइनस 54 यानी कि जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है इस तीनों कंसेक्यूटिव डिस्काउंट के वो है 46%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा कर पाएंगे? तो इस तरह का भी हम लोगों ने बहुत तरह का क्वेश्चन किया है।
तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो एक पुरुष काम पूरा करेगा कितने दिन में? अगर तीन पुरुष 18 दिन में कर रहे हैं, तो एक पुरुष को 18 × 3 करना पड़ेगा, यानी कि इस तीनों आदमी का काम करना होगा, तो 54 दिन लगेगा। उसके बाद एक बच्चा काम पूरा करने में कितना दिन लेगा? अगर 6 बच्चे मिलकर इस काम को 18 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो इस एक बच्चे को इस 6 बच्चों का काम करना होगा, तो 18 × 6 यानी कि 108 दिन लगेंगे इस बच्चे को। तो अब 4 पुरुष + 4 बच्चों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? अगर एक पुरुष को पूरा काम करने में 54 दिन लग रहा है, तो ये पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा? 1/54, और एक बच्चा एक दिन में कितना काम करेगा? 1/108। और दिया हुआ है 4 पुरुष है और 4 बच्चे हैं, तो 4/54 + 4/108 यानी कि 12/108 यानी कि 1/9 हो जाएगा। तो ये एक दिन में 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलके करेंगे, तो कंप्लीट कितने दिन में हो करेंगे? तो इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। तो एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंचती है। अगले दिन यह बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाती है। तो गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? तो मान लेते हैं कि ये जो दूरी है ये x किलोमीटर है। अब दोनों समय के बीच में अंतर क्या हो गया? पहले स्पीड से जब जा रहा है तो 8 मिनट देरी से पहुंच रहा है, और जब नेक्स्ट स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो 8 + 10 = 18 मिनट का टाइम इंटरवल हो गया। अब इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है टाइम। तो डिस्टेंस एक्स किलोमीटर है, तो पहले बार के लिए डिस्टेंस एक्स किलोमीटर है और स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x/12 − x/20, डिस्टेंस फिर से एक्स है और अब स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x/20, अब ये जो दोनों टाइम के बीच में कितना का इंटरवल है? 18 मिनट का है, तो इसको हम लोग आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/60 कर लेते हैं। तो x/12 − x/20 = 3/10 आ जाएगा। तो इससे हमारा आ जाएगा x = 9। तो 9 किलोमीटर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया।